हेलो नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किड्स में। आज हम आपको यह बताएंगे कि बच्चों का पढ़ने वाला कमरा कैसा होना चाहिए जिससे कि उनको उनके जीवन में सफलता मिले। बच्चों के कमरे में पूरी रोशनी होनी चाहिए और कमरा हवादार होना चाहिए जिससे कि कमरे में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हमें अपने बच्चों के कमरे में तस्वीरों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कमरे में ऐसी तस्वीरें लगाएं जो बच्चों के जीवन में गहरा प्रभाव डालती है। बच्चों के कमरे में हिंसात्मक तस्वीरें भूलकर भी ना लगाएं। बच्चों के कमरे में भगवान और साधु संत की तस्वीरें लगाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों में सकारात्मकता बढ़ती है। इसके अलावा बच्चों के कमरे के पर्दे का रंग भी उनकी राशि के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा पर्दों का रंग गहरा होना चाहिए। बच्चों की पलंग नीची होनी चाहिए ताकि आसानी से उतर व चढ़ सके। बच्चों का सिरहाना पूर्व दिशा की ओर और पैर पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसे सोने से उन्हें अच्छी नींद आएगी। बच्चों का स्टडी टेबल उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पढ़ाई करते समय बच्चों का मुख पूर्व दिशा की ओर और पीठ पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। बच्चों का कमरा साफ सुथरा होना चाहिए। उन्हें अपनी चीज़ों को समेटना और सही जगह पर रखना जरूर सिखाएं, जिससे बच्चों में अपने सामान को सही प्रकार से रखना आ जाएगा। बच्चों के कमरों में नैतिक मूल्यों की किताबें भी जरूर रखें ताकि उन्हें समय समय पर वे पढ़ सकें और उनमें मॉरल वैल्यूज डेवलप हो सकें। बच्चों का कमरा ऐसी जगह होना चाहिए जिससे घर के अंदर होने वाले शोरगुल और बाहर होने वाले शोरगुल से उनकी पढ़ाई में बाधा ना पड़े, बच्चों का ध्यान अच्छी तरीके से पढ़ाई में लग सके। इस तरीके से हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो बच्चों को उनके जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।